गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। आज उसी से आगे आपको बताया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव वॉइस बनाते समय पहला चीज तो ये हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बहुत जरूरी होता है। और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और बाई के द्वारा दोनों को जोड़ देते हैं। आज आपको प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का एक कल बताए थे, उसी का थोड़ा सा और विस्तार वो आज आप देखें। प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में जैसा कि बताया कि जो वर्ब टू बी वर्ब जाते हैं, टू बी वर्ब में हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब के 7 या 8 आते हैं। टू बी वर्ब यानी कि हम जब पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का जो है टू बी एरिया होता है, टू बी, ये टू बी का विस्तार हम बताएंगे। वर्ब प्लस टू बी प्लस बाई प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये यहां का यहां आता है, जब हम वो करते हैं तो इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये टू बी वर्ब का हम आपको विस्तार से, टू बी में टू बी वर्ब, ये वर्ब का एक काइंड है, जैसे ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है, वर्ब टू बी है एक टाइप, एक होता है वर्ब ऑफ एक्शन, एक होता है वर्ब ऑफ क्वालिटी। तो ये तमाम ये वर्ब की क्वालिटी आपको वर्ब जब पढ़ाएंगे तो आपको वर्ब के बारे में बताएंगे, छह टाइप के जो वर्ब हैं। तो वर्ब टू बी में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन और बीन, ये वर्ब टू बी में आते हैं। इनका प्रयोग करके हम इनको बनाते हैं। तो अगर ये पास्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में है तो हम वर्ब टू बी का ये हिस्सा यानी प्रेजेंट टेंस वाला हिस्सा हम प्रयोग में ले आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका हम प्रयोग करते हैं। आपको कल हमने बताया था कि ही राइट्स ए लेटर, जब आप बनाएंगे तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट हिस्सा है, ये सब्जेक्ट हिस्सा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ए लेटर, क्योंकि ए लेटर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, इज इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे राइट का, रिटेन बाई ही का पजेसिव प्रोनाउन हिम में बदल देंगे हिम। लेकिन अगर वही ये यू होता है तो हम नहीं बदलते, ध्यान दे यू का परिवर्तन पजेसिव प्रोनाउन में नहीं बदलता, जैसे यू वर्क, यू वर्क, यू वर्क ही ऑन ए, यू वर्क ऑन ए, मेकिंग पिक्चर, आप किसी पिक्चर को बनाने का कार्य करते हैं। अब थोड़ा इससे आप ये देखेंगे, ये सेंटेंस थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसमें हम दो वर्ब का प्रयोग कर दिए।
एक जिसको हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं हिंदी में, ING लगा करके, या हिंदी में हम इसको जीरंड के नाम से जानते हैं, और एक जो आपका मेन वर्ब है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पिक्चर को, हम जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको इधर ले आएंगे, मेकिंग ए पिक्चर। हम एक पिक्चर को इधर ले आएंगे, ए पिक्चर। अब ये इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम इसी में से ही कोई खोजेंगे, इज एमआर में से ही। ए पिक्चर इज, अब चूंकि यहां पे मेकिंग है तो, और यहां पे वर्क है, तो हम वर्क का थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे, ए पिक्चर इज मेड, ए पिक्चर इज मेड बाई यू। यू का कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, क्योंकि हम यू को यू ही लिखते हैं। अगर वो सब्जेक्ट में आता है तो भी यू रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट में जाता है तब भी यू ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम वाक्य से हटा देते हैं। अब उन सेंटेंसेस के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हटा दिए जाते हैं, जो हमारे इनडिफिनिट प्रोनाउंस हैं। वो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडिफिनिट प्रोनाउंस को हम हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो, अगर ये हो कि somebody help मी, कोई हमारी सहायता करता है, तो somebody help me, somebody क्या है, ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इनडिफिनिट प्रोनाउन को हम हमेशा हटा देते हैं। मी जो आई का पजेसिव प्रोनाउन है, हम इसको जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी को आई में चेंज कर देते हैं। आई एम और केवल हेल्प, बस somebody को कभी नहीं लिया जाता। ध्यान रहे आपको, somebody, everybody, anybody, इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है, और जो इधर पजेसिव प्रोनाउन में दिया होता है उसको हम वापस पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके कुछ नियम, और फिर आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, आप इसको बनाएं। और इसके अलावा भी जो प्रेजेंट टेंस में, केवल जरूरी नहीं है कि हम बाई का प्रयोग करें, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें और भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके हम इसके जो पैसिव वॉइस है उसको बना लेते हैं। प्रीपोजिशंस का यूज करके प्रयोग के लिए आप देखें कि ही सेटिस्फाइज, ही सेटिस्फाइज मी। अब यहां पे मी है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। अब देखिए ये जो यहां पे बाई हिम नहीं होगा, यहां पे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब आई एम सेटिस्फाइड विथ हिम, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने करके इसको बना दिया। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और भी जो तरीके हैं, प्रीपोजिशन के द्वारा या बिना प्रीपोजिशन के भी, या बाई का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं, और भी जो तरीके हैं आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।